अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, अस्तर मुस्कुरात रहे। बोलो की तरह तो मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर में भी सब ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे छोटे से रिक्वेस्ट होते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सुबह सुबह का टाइम है, जो हमने जो है नाश्ता बना लिया है और बर्तन वगैरह इकट्ठे करके अभी धोने जा रही थी। तो भाभी ने जो है ना सफाई वगैरह भी कर ली और चार पाया भी डाल दिया, धूप अभी नहीं निकली। तो ये देखे धुंध है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पता नहीं आज सूरज निकलेगा या नहीं। तो ऐसा ने भी आज वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसे उसकी जो है ना तबीयत रात से खराब है, बुखार है। तो आज जो है ना मैं बनाऊंगी। अब जो है ना ये बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं, ऐसे धोती हूँ। उसके बाद जो है ना जो काम होगा बहन भाइयों के साथ शेयर करूंगी। अब जो है ना बर्तन जो है ना मैंने धो दिए हैं। तो ये देखें, अब पीने लगी थी चाय क्योंकि इतनी सर्दी है ना, तो पानी में हल गए तो बहुत ज्यादा सर्दी लग गई है। क्योंकि लाइट नहीं है, सुबह की जो है ना पानी भरा हुआ था तो इतना ठंडा है ना बहुत, तो अब सर्दी लग गई है। मैं पीने लगी थी चाय। जिस बहन भाई ने पीना है वो जल्दी से आ जाए हमारे साथ जो है ना चाय पी ले। तो अभी चाय डालती हूँ प्याली में। अब जो है ना मैंने प्याले में चाय डाल, मिलकर चाय पियेंगे। ये देखें, तो फिलहाल मैं चाय पी लेती हूँ, जो फिर काम होगा तो फिर बहन भाइयों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो फिलहाल काम खत्म हो गया है। ऐशा भी आ रही है, वो देखें। ऐशा को जो है ना रात से बुखार है तो अभी उठी है। ऐशा तबीयत का सुनाओ, कैसी है? अब जैसी थी वैसी है। वैसी है, अभी बुखार नहीं उतरा? नहीं। अच्छा, अल्लाह रहमत करेगा। हाँ जी, हाँ जी, ऐशा की भी तबीयत खराब है और अम्मी की भी, दोनों को जाना सर्दी की वजह से बुखार और खांसी वगैरह, नजला जुकाम। ये तो सर्दियों में जो है ना आम बीमारी है। और सलमान को भी दूसरा तीसरा दिन है बुखार है, तो अल्लाह रहमत करेगा। फिलहाल अभी तो मैं चाय पी रही हूँ, मेरी ठंडी हो जाएगी। हाँ जी, व्लॉग स्टार्ट हो गया आपका। हाँ जी, सलाम दुआ हो गई बहन भाइयों से, हो गई। और बर्तन बचे हुए थे वो बहन भाइयों के साथ शेयर कर लिया। बाकी तो काम वगैरह हो गया है, जब कोई काम आएगा तो बहन भाइयों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल अभी तो खत्म करके बैठ गई, सर्दी है बहुत। हाँ, सर्दी तो है, धुंध भी है बाहर, अभी तक सूरज नहीं निकला। पहले जो है ना मैं आग पे बैठी थी ना, तो सर्दी महसूस नहीं हो रही थी, नहीं हुई। मैंने कहा सर्दी नहीं है, जब आप पानी में हाथ लगाए हैं तो तब सर्दी का पता चला कि सर्दी किसको बोलते हैं ना, तब पता चला कि सर्दी है। बाकी अच्छा, हाँ जी, अभी अभी से धुंध जो है ना वो काम होना शुरू हो गई है। मेरे अंदाज से 10-11 बजे या 1 बजे के करीब सूरज निकल आएगा इंशाल्लाह, धूप निकल आएगी इंशाल्लाह जरूर। और सुनाओ कोई नई? नहीं, ताजी तो अभी नहीं है। अभी जो है ना काम जो खत्म कर लिया तो अब जो है ना सोच रहे। अच्छा, कल जो बोल रहे थे आप साग लेने जाना है। हाँ, साग लेने जा रहे हैं। साग तो मैं लेके आऊंगा, कोई पकाने का बंदोबस्त करें फिर शुरू करें आप स्टार्ट। हाँ जी, अकेले जाओगे या मुझे भी साथ लेकर? नहीं, तुझे साथ नहीं लेके जाऊंगा मैं, अकेले जाऊंगा क्योंकि बाइक चलाने से मैं डरता हूँ। मुझे साथ लेकर जाते है क्योंकि मेरा भी एक फायदा हो जाता। मैं बहन भाइयों को ना शेखा भट्टा दिखा देती। बट्टा शेखा? शेखा नहीं है, शेखा नहीं है, बट्टा शेखा है। बट्टा शेखा दिखा देती बहन भाइयों को, और दूसरे वो जो कहते हैं ना रोही, वो भी बहन भाइयों को दिखा देती। क्योंकि रोही वहाँ पे नजदीक नहीं है, रोही तो आपको इधर से दिखा देंगे, सेम नाले के करीब से जो है वो। वो उस ना वो बड़ी वाली दिखाएंगे तो वो छोटी वाली क्या करेगी? शेखा भट्टे में भी रोही है, वो छोटी सी है, निकली इतनी सी है, इतनी सी दिखा देते। अच्छा, जुल्फकार बेटा कहाँ है? आप जुल्फकार जो है ना अपने अम्मी अबू के साथ जो है ना बैठा है, उसके साथ गपशप लगा रहा है। मुझे जब मैं नाश्ता बना रही थी जो, तो मुझे बुला रहा था भाभी कहती आंटी मैं आऊं। मैंने कहा नहीं, सर्दी है, पता नहीं गुस्सा हो गया है, पता नहीं तब से आया नहीं है। नहीं,
के साथ तो बैठा था ना। अच्छा, तो मेरे पास तो नहीं आया, लगता है मुझसे नाराज हो गया। सर्दी थी ना ज्यादा, तो मैंने कहा सब वार्ड में बैठा है तो बैठा रहो, तो इसलिए नाराज हो गया। हाँ, आज आपने तो कपड़े बनवाने हैं ना। हाँ जी, दो दिन रह गए हैं अभी। जुल्फकार के पड़े हुए हैं, ऐशा के पड़े हुए हैं, मेरे पड़े हुए हैं, भाभी के पड़े हुए हैं, तो कपड़े अभी सिलाई भी नहीं किए मैंने। दो दिन रह गए हैं, मतलब दिन देखते हैं आप कितने छोटे हैं। तो आज जो है ना, मैं सोच रही हूँ कि आज जो है अपने उस्तानी के घर जाती हूँ, वहाँ से जो है ना कपड़े वगैरह सिलाई करती हूँ। हाँ जी, सीने हैं या आपने समझने हैं? सिर्फ समझने हैं, क्योंकि वो ना भाभी का जो है ना सिलाई करना है, वो साथ बैठ कर जो है ना कोई मसला वगैरह, क्योंकि वो उसके बना शो वगैरह ज्यादा है, तो कोई गलती वगैरह पूछती रहूंगी, वहीं पर सिलाई करूंगी। जो मेरा है वो तो पूछ के घर से लेकर लूंगी। अच्छा, ऐसा कभी घर से लेकर लूंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, वही बैठ कर जो, क्योंकि वो ज्यादा मसला है, साठ बाज के साथ बैठ के सिलाई करूंगी। अच्छा जी, अभी जो है ना सोच रही हूँ कि पहले वाली बाजी के घर जाऊँ या दूसरी बाजी के घर जाऊँ। अच्छा, यानी कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले वाले के पास जाना है या दूसरी वाले के पास जाना है। पहले वाली, ये पहले वाली और दूसरी वाली का क्या चक्कर है? पहले वाली जो है ना वो भी तकड़ी है ना, वो काम करने में बहुत हुनर उसके पास बहुत ज्यादा है। तो दूसरे वाले जो है ना, वो तो मेरे आप जानते होंगे, आप दोनों तो उससे सीखे हैं ना, अल्ताफ की जो बेगम है ना सलमा, तो वो मेरी दूसरी उस्तानी है। पहले वाली बाजी जो है ना वो ना अपनी अल्ताफ की बेगम और आप दोनों एक उसी उस्तानी के पास गया था ना सीखने के लिए। हाँ जी, उसी उस्तानी के पास सीखती। यानी कि आप दोनों उस बड़ी उस्तानी का शिगिर्द हैं। बड़ी उस्तानी कौन सी? वो ना किसी और के पास सीखी थी, मैं किसी और के पास सीखी थी। अच्छा, जब वो मेरी बाजी ना अपने ना नदी बिस्तर कहते सब ट्रांसफर हो गई थी अपने घर से दूसरे घर में कराची में, तो फिर मैं जो है ना मामी सलमा के पास सीखने आई थी, क्योंकि मुकम्मल सिलाई नहीं कर सकती थी ना। अच्छा, मामी सलमा के पास बाद में गई थी। अच्छा, तो अभी सोच रही हूँ पहले वाली के पास जाऊँ ये समझने, या दूसरी के पास, किसको ज्यादा हुनर होगा। अच्छा, आप जाएंगे कपड़े बनवाने, जहाँ भी जाएं तो अम्मी साथ जाएगी आपके, तो जिसके पास जाना है वहाँ पे आप डिसाइड कर लें। मेरा तो पक्का डिसाइड है, मैंने साग लेने जाना है। और साग लेने कहाँ तो जाना है? जाना है, हम सोचेंगे कहाँ जाना है, क्योंकि दो दिन रह गए, कपड़े बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। और साग लेने कहाँ जाना है ये भी आप बहन भाइयों से शेयर करेंगे, और वहाँ से आपको तोड़ते हुए भी दिखाएंगे कि कैसे तोड़ते हैं देहात में साग। आप कैसे दिखाएंगे विलेज में? मोबाइल तो हमारे पास होगा ना, मोबाइल तो नहीं है दूसरा जो तुम जो मैं अपनी नाक पे बना लूंगा दिखाओगे, जो हम दिखा सकते हैं या आप दिखा सकते हो, एक ही दिखा सकता है ना। दिखा तो कोई भी सकता है, मैं उनके व्लॉग से बना लूंगा, आप वहाँ उनके व्लॉग से देख लेना। ठीक है, और जो है कुछ नहीं है, यहाँ बाहर ठाके हो रहे हैं किस चीज के? जुल्फकार के होंगे। जुल्फकार जा रहे हैं? जुल्फकार बेटा ना रजाई में बैठा है, ना बुलाओ क्योंकि सर्दी है, फिर बहर आ जाएगा। हाँ जी, सर्दी तो बहुत है, आप ये भी देख सकते हैं धुंध कितनी, नजर कुछ नहीं आ रहा, बस छोटे छोटे से कवे नजर आ रहे हैं। और इरफान भाई जो हैं वो बाइक को तैयार कर रहे हैं काम पे जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम सलमान भाई, कैसे हैं? ओ, हमने सलाम किया, उसने नाचना शुरू कर दिया। हाँ जी, सर्दी लगी हुई है, वो थोड़ा सा डांस करेगा कर, जिससे में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर्दी का कम हो जाएगी। ऐसा है कि नहीं? जगह खड़ा हुआ देखें, ऐसा है कि जैसे वो किसी गेट का चौकीदार खड़ा होता है। अच्छा जी, और कोई काम जो रह गया वो अभी बता दें। कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल बंद करते हैं। अच्छा जी, चलते हैं, आयशा भी आ गई, आयशा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम।
क्या हाल चाल? रात को तो बहुत इतना तेज बुखार था, दो अंडे मैंने लेके दिए, वो भी खाए, गोलियां भी खाई और शरबत की पूरी 1.5 लीटर की बोतल खत्म कर गई। बुखार उतरा के नहीं? कहती है कि अभी नहीं। आप थोड़ा सा शक्ल इधर करें ना, दिखाएं जरा। हाँ जी देखे, जो सर्दी की वजह ना बुखार की वजह से ना कमजोर हो गई है, शक्ल अच्छा नजर नहीं आ रही पूरे कैमरे में। अच्छा, यानी कहा इरफान भाई के साथ प्रैंक हो गया। हाँ जी, उसने सोचा कि 5,000 का नोट रखा है, मैं उठा लूं। और आज दवाई लेने जाना है आपने? किधर से? डॉक्टर से लेना है और किसी से? कोई ये जो आपका स्टोर, ये डॉक्टर खादम है ना, इसके पास भी जाना, इसके पास जाकर मरना नहीं है। नाम नहीं लेते किसी का। डॉक्टर जो होता है वो मरीज का अच्छे से इलाज करता है, बुरा कोई भी नहीं होता। अच्छा, जब खांसी की दवाई, बस इंसान को यकीन होना चाहिए कि कौन से डॉक्टर के पास किसको, मुझे तकलीफ जो मेरी तकलीफ है ठीक होगी। यकीन तो आप रखती नहीं है तो ठीक कैसे होंगे? ये तो बात है, लेकिन इस डॉक्टर पे जाना मैं नहीं यकीन करती। अच्छा, आपको यकीन नहीं है तो आपको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास लेके चलते हैं जो कम से कम और मरीजों को टीका लगाते हैं डराने के लिए, वो बड़ा सा। मैं डॉक्टर शफीक के खालिद मुइन के पास जाऊंगी। खालिद मुइन के पास जाएंगे? इंजेक्शन तो वहाँ भी लगते हैं। वो उसकी दवाई से ठीक भी तो हो जाती हूँ। माशाल्लाह, वो MBBS है। अल्लाह पाक उनको तरक्की दे। आपको एक बार याद है पहले जो हम पहले मकान में थे तब वीडियो नहीं बनाते थे, अम्मी से पूछे क्या हालत हो गई थी मेरी, फिर बताया कि इधर खालिद मुइन बैठा हुआ, उसके पास लेके जाए, दवाई ली थी, फिर कैसे ठीक हो गई थी। माशाल्लाह, वो MBBS बड़े डॉक्टर हैं। मुझे भी उस डॉक्टर पे यकीन नहीं है। किस पे? किस पे? ना कहीं मेरे बेटे का बेटा ना ना गिनो। अच्छा, नाम भी लेते। अच्छा जी, अम्मी जान रजाई में, अम्मी की तबीयत भी आज बहुत खराब थी ना, रात बहुत खराब थी, और उनकी भी दवाई लेनी है और मेरी भी तबीयत काफी खराब थी, मन सुबह से लेकर अभी तक जो है ना वो खांस खांस के ना बहुत तंग हो, सर्दी की शिद्दत बहुत बढ़ गई है और नज़ला जुकाम खांसी वगैरह ये तो चल रहा है सर्किट, तो बुखार भी आ रहे हैं, बस मौसम चेंज हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पहले तो जो सर्दी थी वो खुश्क सर्दी थी, अब जो है वो धुंध शुंध मिला के सारा कुछ गीली सब सर्दी हो रही है। हाँ जी, संग चूड़ ही होती, गले को पकड़ने वाली कहते हैं। और सादिया जो है ऊपर चढ़ चुकी है, ये क्या कर रही हैं आप? इधर मेरी तरफ देखें जरा, क्या कर रही हैं? किस चीज की सफाई कर रही हैं? ये किसकी पेटी है भला? अम्मी जान, दवा रखी हुई है अलीपुर में। अलीपुर से आई है? खरीदेंगे तो फिर जो है ना अपना सामान। ये जो आपने हाथ में उठाया हुआ ये पेटी तो नहीं है? ये सब्जी वाली नहीं है, संतरे की यानी कि फ्रूट की पेटी है, शेल कहते हैं इसको। शेल है ना, इसमें मैं अपने कपड़े रखती हूँ, क्योंकि मेरी पेटी बस वगैरह तो रखे हुए हैं नीपुर में, तो कपड़े रखने के लिए कुछ नहीं है, तो इस डेर ना मैं इस टोकरी में रखती हूँ। क्यों, आपके पास बक्से वगैरह नहीं है? रखे हुए हैं ना बक्से वगैरह। आप अलमारी क्यों नहीं रखते? अलमारी नहीं है, इसमें रखती। अलमारी होती तो उसमें रखती, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा, अलमारी के अलमारी के इतने पैसे भी नहीं है। अलमारी के जब पैसे बनेंगे तो खरीद लूंगी, फिर अलमारी में रखूंगी। अच्छा, कैसे रहते हैं? इधर लेके आए, पास लेके आए। बड़ा बेटा जो है ना उमर, ये है सादिया सलमान का बड़ा बेटा, मेरा बेटा यानी कि जो 1 साल का होके फौत हो चुका है, 1.5 साल का मोहम्मद उमर, इसका नाम है।
आप सब बहन भाई भी देख लें इसको, अल्लाह ताला के पास ये वापस चलो। दूसरे बेटे की जो है ना वो मोबाइल पे है, वो बाहर रखा है मतलब के खींची हुई नहीं है। उस दो अब्दुल्ला था ये बड़े बेटे की है, वो जो हमने खिंचवाई थी भाई नुमान ने बनवाई थी तस्वीरें, तो हमने एक रख दी है। अच्छा जी चलो, परेशान नहीं होना, अल्लाह पाक और देगा, ना उम्मीद नहीं होना क्योंकि ना उम्मीद ही बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह पाक एक दो और देगा लंबा लंबी जिंदगी वाला इंशाल्लाह। आप सफाई कर ली या ऐसे ही छोड़ के आ गए? कर रही थी सफाई। आप तो बहुत खिलारा पाके आ गई हैं। सफाई ऐसे होती है? ऐसा भी देखे बैठी है वो मौलवी वाली टोपी बना के जब मौलवी पहनते हैं। साथ साथ बोलती भी जाए, बहन भाइयों से बात भी करती जाए और बोलती भी जाए, काम करती जाए। लहसुन जो है ना मैंने छील लिए है और भाभी को दे दिए हैं, तो अब जो है ना मैं भरने जा रही हूँ चावल। सबसे पहले जो है ना ये बर्फ निकाली है इस कटोरे से क्योंकि चावल भरने हैं, तो इसे जो है ना निकालती हूँ और ये कटोरा जो है ना भरना है चावलों का। जब चावल भर लूंगी तो बहन भाइयों के साथ जो है ना शेयर करूंगी। फिलहाल अभी जो है ना मैं एक कटोरी बर्फ जो है ना निकलनी होगी, अभी नहीं निकली, पड़ी हुई है कूलर में। तो चावल भरने के बाद जो है ना जो काम होगा बहन भाई के साथ शेयर करूंगी। चावल जो है ना मैंने साफ कर लिए है, देखें अब जानी उसे धोने, तो धोने के बाद जो है ना जो काम होगा बहन भाई के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अभी तो जा रही हूँ उसे धोने, तो चलते हैं। यहाँ पर जाना अब जो है ना यहाँ पे धोते हैं चावल, धोने के बाद जो है ना जो काम होगा तो बहन भाई को साथ शेयर करेंगे। चावल जो है ना मैंने धो के रख दिया है, अभी तो फिलहाल अजानें हो रही है, नमाज के बाद जो है ना जो काम होगा बहन भाई को साथ शेयर करूंगी। और भाभी जो है ना भाभी चावल आ गए हैं। हाँ जी मेरा पानी भी उबल रहा है, अभी जो है ना डालती हूँ इनको। हाँ जी अक्षर को जो है ना बुखार है, उसकी तबीयत जो है ना खराब है, तो सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। हाँ जी चावल बनेंगे तो फिर। हाँ जी इसलिए तो चावल बना रहे हैं कि ऐसा भी खा लेगी और बाकी जो है ना सब घर वाले भी खा लेंगे। तो अभी जो है ना फिलहाल मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, जाने हो रही हैं, तो उसके बाद जो है ना जो काम होगा बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। अभी जो है ना मैं बनाने लगी हूँ बिस्तर, आके जो है ना मैंने बना लिया है। और एक अब्बू जान का रहता है यहाँ पर, जो है ना मैंने सारे बना लिए हैं, सुफियान भाई का भी और ऐशा और अम्मी का। और यहाँ पर ऐशा जो है ना रोटी खा रही है क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी, जो तो इसने सुबह और शाम को नहीं खाया था तो बुखार की वजह से जो आज अब जो है ना चावल बनाए हैं तो ये खा रही है। फिर जो है ना इसके जो है ना दवाई खाएगी। तो भाई लोग के जो है ना मैंने बिस्तर बना लिए हैं भाई और भाभी के, तो अब जो है ना अबू का बिस्तर रहता है ये देखें। तो जो है ना ये बनाती हूँ, उसके बाद जो है ना जो काम होगा तो बहन भाइयों के साथ शेयर करूंगी। देखिए अभी बना रही हूँ बिस्तर अबू जान का, क्योंकि वो ना बरामदे में सोते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे ना ठंड लगती है मुझे ना अंदर कमरे में जगह बना के दो। एक दिन अम्मी से कह रहा था कि जो हमने ना बोरे के जो पल्ले बनाते हैं ना वो बनवाते हैं तो यहाँ पर लगा देंगे तो मुझे ना सर्दी नहीं लगेगी,
तो जब वो अब बनवा कर आएंगे तो लगाएंगे, फिलहाल अभी तो यहीं पर सोएंगे क्योंकि अंदर जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह होती है जो दो तीन चार पाया पड़ी हुई है। अब जो है ना गूंदने लगी हूँ आटा, क्योंकि अम्मी और भैरफान जो है ना वो चावल नहीं खाएंगे तो उनके लिए जो है ना रोटी बनानी है, तो अभी जो है ना गूंदने लगी हूँ आटा, इसको निकालती हूँ। आटा गूंदने के बाद जो है ना इसके साथ जो है हमारा व्लॉग भी हो गया है मुकम्मल, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।